नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज की कथा सुनाने वाली हूँ। यह व्रत बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है सभी स्त्रियों के लिए, चाहे वो सुहागन हो या फिर वो कुंवारी हो, सभी के लिए हरितालिका तीज का कथा और हरितालिका तीज का पूजा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अगर सुहागन स्त्री हरितालिका तीज का व्रत करती हैं तो उनके पति के साथ उनका प्रेम सदैव बरकरार रहता है, पति का उम्र लंबा होता है। और जिन स्त्रियों का अभी विवाह नहीं हुआ है, यानी कि जिन लड़कियों का विवाह नहीं हुआ है, वो कुंवारी हैं, वो स्त्रियां भी अपने मनचाहे वर पाने के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। यह व्रत माँ पार्वती और भगवान शिव के लिए के आराधना के लिए है, ताकि हमारा जो साथ है हमारे पति के साथ वो हमेशा इसी तरह बरकरार रहे जैसे कि भगवान शिव और माता पार्वती का है। तो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरितालिका तीज की कथा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कथा सुनने के लिए मंदिर नहीं जा सकती, या फिर जिनके घर पंडित जी नहीं आ सकते कथा कहने के लिए, और उनके पास हरितालिका तीज की पुस्तक भी नहीं होती है, तो वो इस वीडियो से कथा सुनकर अपना व्रत पूरा कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हरितालिका व्रत की कथा। यह हरितालिका व्रत की कथा शिव जी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। कहते हैं इस कथा के अनुसार भगवान शिव कहते हैं, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जल देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ, वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर उनके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हो तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी, उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है, संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन प्रयत्न उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बहुत चिंतित हुए और बहुत दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपने सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने का कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें कोसते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊँगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह कराया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्रियों को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण कर लिया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियाँ पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमणाय करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियाँ अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियाँ मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। अब जानते हैं इस व्रत को करने के कुछ खास नियम। इस व्रत में हमें पूजन सूर्योदय से पूर्व उठकर ही नहाकर पूरा श्रृंगार कर करना होता है। इस व्रत को हम रखते तो तीज में हैं,
लेकिन इस व्रत का पारण चतुर्थी तिथि के सूर्योदय में किया जाता है। अगर आप शादी के बाद पहली बार तीज व्रत कर रहे हो तो अच्छे से नियम पता कर ले, क्योंकि जिस तरह आप पहली बार तीज व्रत करते हैं उसी तरह आपको हर साल तीज का व्रत करना होगा। तीज व्रत में आपको अन्न, जल या पानी, फल, कोई भी चीज़ 24 घंटे तक नहीं खाना है। इस व्रत को अगर आप श्रद्धा के साथ करती हैं तो आपके पति की उम्र लंबी होगी और आपके पति के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक जिंदगी यापन होगी। ऐसा मान्यता भी है कि माता पार्वती ने अपने सहेली से ये कहा था कि जो भी स्त्री या जो भी लड़की मेरा व्रत, इस व्रत को सच्चे मन से करेगी, वो अपने पति के साथ हमेशा खुशी पूर्वक अपना जीवन यापन करेगी। इस व्रत में पूजन करने समय माता पार्वती को 16 श्रृंगार यानी कि सिंदूर, बिंदी, आलता, मेहंदी, साड़ी, चूड़ी, आपसे जितना हो सके ये सारी चीज़ें हम माता पार्वती को अर्पित करते हैं, ताकि माता पार्वती प्रसन्न होकर हमें भी अपने भगवान शिव की तरह हमारे पति के साथ हमारा प्रेम पूर्वक जिंदगी यापन करने का आशीर्वाद दे। इस व्रत को अगर आप प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो आपके घर में सुख शांति हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों, ये था तीज व्रत का कथा और तीज से जुड़ी हुई कुछ खास मान्यताएं। तो इस बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें और पूरे श्रद्धा से आप तीज का व्रत करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप और भी किसी व्रत का कथा सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस व्रत की भी कथा आपको सुना दूंगी, ताकि अगर आप व्रत करते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो कथा सुनने में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। आप सभी चैनल को लाइक, सब शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।